हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाड़ी चेक करो अच्छे से। गाड़ी भी मसले, अबे पीछे भी गाड़ी है, जल्दी आगे से निकल। गाड़ी भी मसले, गाड़ी से बच रो, जल्दी से गाड़ी निकालो, पीछे करो इसका। यस सर। ये लोग नाकाबंदी तोड़कर भागे, जरूर इन्होंने कोई जुर्म किया होगा। हाँ। अगले 5 किलोमीटर तक नाकाबंदी करवाओ। सर हमारी सभी टीमें सर अच्छे से चेक कर चुकी हैं, ना वो कार मिली और ना वो आदमी। वो लोग नाकाबंदी तोड़कर भागे, सड़क खत्म हुई जंगल शुरू हो जाता, इसका मतलब वो यही कहीं होंगे। देखिए लगता है उन्हीं मुजरिमों का अड्डा है वो। हेलो, सभी साउथ एरिया की तरफ आइए। उसके चेहरे पर ये लाल धब्बे कैसे? जो दो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे ये उन्हीं में से एक है, इसकी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसकी मौत कैसे हुई होगी? ये तो इसका पार्टनर ही बता सकता है। सर 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 ये तो वही आदमी, उस लड़के का पार्टनर। सर ये हुआ क्या है सर? वैसे ही निशान है सर। तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ, तब तक मैं CID को फोन करता हूँ। सर चलिए। हेलो CID, तो एक आदमी मरा हुआ था और दूसरा दर्द में चिल्ला रहा था, बीमार लग रहा था। हाँ सर, और उन दोनों के शरीर पर लाल निशान भी थे। सर ये हॉस्पिटल से भी बात हुई सर, वो दूसरे आदमी के बारे में। तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया? तो उसकी हालत खराब है सर, उन्हें समझ में आ रहा है उसे हुआ क्या। इसका मतलब उन्होंने अभी तक इलाज शुरू नहीं किया? टेस्ट कर रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसे, तो अभी देख रहे हैं। कमाल है यार, क्या हुआ क्या होगा उन लोगों को। सर यहाँ इस तरफ। यहाँ तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। चपड़ा वो ये जो लाल निशान थे बॉडी में, उसके अलावा कोई फेटल इंजरी का निशान था क्या बॉडी में, जैसे चाकू के निशान हो या गोली मारने के? सर मैंने बॉडी को अच्छे से चेक किया था, उस पर कोई घाव का निशान तो नहीं था, लेकिन हाँ सर पर एक चोट जरूर थी जो कि हो सकता है शायद एक्सीडेंट के दौरान लगी हो, बाकी तो एलर्जी टाइप निशान थे। अच्छा आप बता रहे थे कि वो लोग नाकाबंदी, पुलिस नाकाबंदी से गाड़ी तोड़ के निकले थे, तो जाहिर सी बात है गाड़ी में ऐसी कोई चीज होगी जो वो नहीं चाहते थे कि पुलिस के हाथ लगे। हाँ सर, लेकिन वो कार मिली नहीं, पता नहीं कहाँ छुपाई उन लोगों ने। नाकाबंदी तोड़े तो काफी टाइम हो गया है, कल ये वारदात हुई थी, मतलब उसके बाद ऐसा कुछ भयानक हुआ है जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। वो घायल आदमी कहाँ मिला था आपको? सर यही पीछे की तरफ। सर देखो
लोगों के पास ना तो मोबाइल फोन मिला और ना ही कोई आईडी। शायद गाड़ी को कहीं आसपास छुपा दिया होगा और फिर यहाँ पे चल के आगे बोलो। उन्हें शायद वक्त ही नहीं मिला होगा कार में से वो सामान निकालने के लिए जो वो लोग पुलिस से छुपा रहे थे। एक बार एक कार मिल जाए आधे से ज्यादा सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। दूसरा आदमी हमें घायल हालत में यहाँ पर मिला। ये देखिए सर, खून से सना हुआ हाथ का निशान। ये देखो, जूतों के निशान भी है। चलो फिर अंदर जंगल में चल के देखते हैं, शायद ये जूते के निशान हमें कार तक ले जाएं। ठीक है, प्रणाम। तुम और तुम्हारे बाकी के ऑफिसर्स जंगल की दूसरी तरफ तलाशी जारी रखना, हम लोग यहाँ पर देख के आते हैं। जाओ। ये अजीब हालत है इस लाश की। इसके शरीर पर ये जो पहले धब्बे थे ये लाल थे, लेकिन सारे के सारे धब्बे अजीब तरीके से काले पड़ गए। इसके खाल भी निकलने लगे। सर इतने अजीब तरह के निशान है इसके शरीर पर, निशान लाल थे फिर काले हो गए, इसे क्या हो सकता है इसे? My God, इसके सर के बाल देखो कितने कमजोर हो गए, जरा सा हाथ लगाया तो गुच्छा बाहर आ गया। सर ऐसा कभी ना देखा है ना सुना है, बड़ी अजीब बीमारी है इसे। मुझे लगता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ और मतलब? कुछ और मतलब तुम एक काम करो, लैब की सारी लाइट्स ऑफ करो, पता लगेगा। ओह गॉड, सर, 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 बॉडी चमक रही है। माय गॉड, इसमें से लाइट कैसे आ सकती है? जो सोच रहा था वो एकदम सही है। क्या? मुझे समझ में आ गया लाइट क्यों चमक रही है। एसीपी को फोन करो, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में जो आदमी एडमिट है उसे भी चेक करना पड़ेगा, बाकी चीजें मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूं। चल, अरे तुम चल। कौन है इधर? ए, गोली मत चला वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यार गोली नहीं चलाते हैं, ब्लास्ट कर देगा नहीं तो। नीचे रख, बंदूक रख नीचे। ठीक है ठीक है ठीक है। ए, आगे मत बढ़ना। क्या कर रहे हो? ब्लास्ट हो जाएगा, पागल हो क्या? आगे मत बढ़ना। देखो हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे पता तुम लोग पुलिस वाले हो, मैं जला दूंगा। अरे रुक, एक सलून के आपके कहने पर हमने पेशेंट को एक सिक्योर रूम में शिफ्ट कर दिया। वेरी गुड, पर बात क्या है? देखिए बात मैं थोड़ा आपको बाद में बताता हूं। अरे सलून के, हां भैया, बस डाउट तो है। आर यू श्योर? एक बार चेक कर। हां ठीक है, कहां है? आइए प्लीज कम। बस मैं जरा अंदर जाके चेक कर। यार मगर नहीं, मेरे पास प्रोटेक्टिव सूट है। ठीक है। हेलो
यार सालूखी, ये तो क्या शक सही निकला है। देखिए, जो भी नर्स और वार्ड बॉय इस पेशेंट के ज्यादा संपर्क में आए हैं, पहले उनको बुलाइए, उनका इलाज करना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशन। तुरंत इलाज करना पड़ेगा, पर इलाज किस चीज का शुरू करना पड़ेगा, आप कुछ बताइए तो सही। डॉक्टर साहब, ये मरीज एक बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में आया है, और ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे सिम्टम्स रेडिएशन पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। रेडिएशन पॉइजनिंग? हाँ, और इसका जो पार्टनर था वो ऑलरेडी मर चुका है, अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो इसका बचना भी नामुमकिन है। हे भगवान, मैं तो इस पेशेंट की कब से देखभाल कर रही थी, क्या मुझे भी वो रेडिएशन पॉइजनिंग हो गई होगी? पायल, पायल कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर, नहीं 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 नहीं, देखिए घबराइए मत। देखो पायल, तुम डायरेक्ट इस रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें इन्फेक्शन होना बहुत ही कम संभावना है इसकी। फिर भी सेफ्टी के लिए आप लोग रेडिएशन एक्सपोजर की दवाई ले लीजिए, ताकि इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स का असर आप पे ना हो। और हाँ, एक बात का ख्याल, आपसे जो कोई भी इस मरीज के पास है, जो कोई भी, उसे इस तरीके के प्रोटेक्टिव सूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तेरे फोन कॉल के बाद में मैंने एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में फोन किया, उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि उनके पास जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्टोरेज से कुछ भी गायब नहीं है। सर, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इस तरह खुले में तो नहीं मिलता, स्पेशल एजेंसीज के पास ही अवेलेबल होता है। बॉस, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्हें कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये तो बाद में पता लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल से इन्फेक्टेड है, जिसमें न्यूक्लियर एलिमेंट भी शामिल हो सकते हैं। सर, जो कुछ भी हो, इस आदमी को हमें बचाना ही होगा, क्योंकि यही हमें बता सकता है कि वो जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसे कहाँ से मिला है। और तो और, पता नहीं कितने सारे लोग इसके संपर्क में आए होंगे, उन सब की जान भी तो खतरे में है, उनको भी तो बचाना होगा हमें। सर, कहीं ये रेडियो एक्टिव मटेरियल उस कार में तो नहीं है जिसमें ये लोग थे? कहीं पर भी हो सकता है। सर, एक काम कर, तू इस पेशेंट के साथ रहे। हाँ ठीक है बॉस, मैं इंतजार करता हूँ, जब भी उसे होश आएगा मैं उसे पूछने की कोशिश करूंगा कि उसे मटेरियल कहाँ से मिला, कैसे मिला। हाँ, और तारिका, तुम एक काम करो, तुम वापस से उस लाश को अच्छी तरह से चेक करो, पता लगाने की कोशिश करो आखिर ये कौन से एलिमेंट है, अच्छी तरह से डिटेक्ट करो। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब, जिन सवालों के रेगिस्तान में आप लापता हैं उसका जवाब है मेरे पास, मिलना चाहेंगे? कौन हो तुम और कहां पर मिलोगे? G14 रुक्मिणी अपार्टमेंट्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है एसीपी प्रद्युमन, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है, आप चाहे तो गन नीचे रख सकते हैं। कौन हो तुम? मयंक, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर। इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इस तरह से मिलने बुलाते हो? मजबूरी थी, कई मासूमों की जान खतरे में, और उन्हें बचाने के लिए जरूरी था कि हम यहाँ इस तरह खुफिया तरीके से मिले। मासूमों की जान की बात करते हो, कहीं ये उस रेडियो एक्टिव? जी हाँ, जब आपने एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कॉल करके इंक्वायरी करनी चाहिए तो हमें वहां से अलर्ट आ चुका था। तुम्हारे पास हमारे सारे सवालों के जवाब? जी हाँ, है तो सही, लेकिन वो टॉप सीक्रेट है। उम्मीद करता हूँ कि CID द्वारा ये सीक्रेट लीक नहीं होगी। बताओ तो सही, कुछ दिन पहले हमें एक टिप मिली थी, देश में न्यूक्लियर डिवाइस आया है। हमने बॉम्ब ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। हमने ये बात ना ही पब्लिक में बताई ना ही मीडिया में, क्योंकि हमारे बताने से खौफ का माहौल पैदा हो सकता था, लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि इस तरह का केस आपके पास आया है तो हम फौरन चले आए। लेकिन मयंक, ऐसा कोई न्यूक्लियर एटम बॉम्ब, ऐसा कोई डिवाइस कोई गाड़ी में कैसे ले आ सकता है? दरअसल ये न्यूक्लियर डिवाइस मॉडिफाई की गई है, इस तरह से मॉडिफाई की गई है कि ये एक सूटकेस में भी फिट हो जाए। उसका वेट तकरीबन 5 किलो है, या हो सकता है उससे भी कम। इतना छोटा बॉम्ब? छोटा है मैम, लेकिन बहुत भयानक है, आप खुद ही देख लीजिए। अगर ये ब्लास्ट हो गया सर, तो 25 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी इंसान रहते हैं वो तुरंत मर जाएंगे, और 20 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई इंसान बच भी गया तो ये तो अपाहिज हो जाएगा या मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा।
भगवान ना करे ये बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हो जाए तो मुंबई की क्या हालत होगी आप सोच भी नहीं सकते। मयंक, जब तक हम लोग हैं, जब तक ये CID है, तब तक इस शहर को कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हम कुछ होने देंगे। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को हम लोग निकालेंगे। कैसे हो तुम? मेरी आवाज सुन सकते हो? बोलो बोलो। मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो? क्या हो रहा है मुझे? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? देखो तुम बहुत खतरनाक रेडिएशन के शिकार हो गए थे, लेकिन अभी तुम्हारा इलाज हो रहा है। आनंद का? आनंद भाई तुम्हारा दोस्त? माफ करना भाई, आनंद तो इस दुनिया में नहीं। लेकिन तुम घबराओ मत। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बताओ मुझे कि तुम इस रेडिएशन के शिकार कैसे हुए, कहाँ हुए, कब हुए? हमें डिलीवरी करने को कहा था। डिलीवरी करने को कहा था? किस चीज की डिलीवरी? न्यूक्लियर बॉम्ब। व्हाट? न्यूक्लियर बॉम्ब? हेलो रिसेप्शन, देखिए आप ACP प्रद्युमन को तुरंत मैसेज दीजिए, उनसे बोलिए डॉक्टर सालू ने बुलाया। अर्जेंट। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब की डिलीवरी कर दी? अभी वहीं पर है? कहाँ है ये न्यूक्लियर बम? नहीं, देखो बताना चाहिए, बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है ना। वो मुझे मार डाली। नहीं नहीं नहीं, घबराओ मत, CID टीम तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ओह गॉड, सो गया क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मैं अंदर जाके देखता हूं। ताऊ के? ए ताऊ, ताऊ के? क्या हुआ सर? सालुके, कुछ बोल तो सही। हाँ बोल। सर ये होश में, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुला। तारीखा कहाँ है? हाँ। देख सालुके, बताना यार, सालुके। सर, 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 सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, ये तो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। बुला बेटा। मगर काफी कम है, मगर बॉम्ब का नामो निशान नहीं, मतलब बॉम्ब निकाल लिया गया गाड़ी से। सर वो आदमी जो गाड़ी के पास खड़ा था, उसे तो उसके गैंग के लोगों ने मार दिया, फिर ये बॉम्ब कहाँ गया? गैंग के किसी दूसरे अपराधी ने निकाला होगा। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक भी खुला हुआ था, लगता है जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तब वो डायनामाइट स्टिक को जलाकर ये गाड़ी को उड़ाने वाला था, ताकि कोई सुरागी ना बचे। और बड़ी प्लानिंग की है उन लोगों ने, एक एक सबूत मिटाते जा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, वो रेडियो एक्टिव चीज कार में लीक कैसे होगी? शायद उस एक्सीडेंट की वजह से, नाकाबंदी से भागने के बाद इस कार का एक्सीडेंट हुआ था ना, और उसी के बाद वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन के सिम्टम्स उनपे होने लगे। पता नहीं वो बॉम्ब इस वक्त होगा कहाँ पे, और न जाने कितने लोग इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे। तो जहाँ पर उन्हें वो बॉम्ब पहुँचाना था वहाँ पे बॉम्ब पहुँच गया है, तो हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में। तो मेडिसिन इज़ इन द आईवी, राइट? डॉक्टर सारंगे की तबीयत कैसी है? सर इन्वेस्टिगेशन तो चालू है इस वक्त। कब तक चलेंगी इन्वेस्टिगेशन? सर हमने कुछ टेस्ट किए, सर को एग्जामिन किया, लेकिन अचानक ऐसा स्ट्रोक आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर सिक्योर रूम में जो मरीज था उसकी मौत हो गई। What? सर मरीज मर चुका है।
डॉक्टर साहब की हालत नाजुक है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब का है उसका हमें पता नहीं, अब क्या करें? इस शहर में हजारों लाखों सूटकेसेस होंगे, अगर जल्दी उस बॉम्ब वाले सूटकेस को नहीं ढूंढा तो इतनी तबाही होगी कि इतिहास में वो दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कैसी तबीयत है सर उनके साथ? क्या कोई खास सुधार नहीं है? तालिका तो बैठी है उसके साथ। समझ में नहीं आता किसने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया, क्या बताने वाला था, बस मैं यहाँ पहुंचा हूँ ये हाल हो गए। अब तो मरीज भी मारा गया, डॉक्टर साहब को ये स्ट्रोक आ गया। कहीं संयोग है सर, सारों के साहब को स्ट्रोक आया ठीक उसके पहले जब वो हमें कुछ बताने वाले थे। संयोग ही होगा जी, डॉक्टर साहब को स्ट्रोक आया, किसी ने हमला तो नहीं किया उन पे। हाँ सर, और उस मरीज की हालत तो वैसे भी नाजुक थी, डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। देख, कोई संयोग नहीं हो सकता, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। किसी भी साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप डॉक्टर सलोंके की हालत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो लाखों लोगों की जान खतरे में होगी। हमारे वहाँ कार तक पहुँचने से पहले आतंकवादी बॉम्ब लेके चला गया सर। अरे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, उस बॉम्ब को जिस चीज में भी रखा होगा ना, वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है सर। क्या सर? वो बॉम्ब जिसमें रखा है, वो बॉक्स कंटेनर, वो डैमेज है सर, तभी तो वो रेडिएशन लीक हुई है। तो सबसे पहले वो आतंकवादी उस बॉक्स को रिपेयर करवाएंगे ताकि रेडिएशन की वजह से उनके दूसरे साथी उससे प्रभावित ना हो। और हाँ, उन्हें जरूरत पड़ेगी लेट की, लेट से ही वो कवर करेंगे उस चीज को रेडिएशन के लीकेज रोकने के लिए। लेकिन ये काम किसी अहरे गहरे का नहीं, किसी एक्सपर्ट का काम है, ये किसी जानकार आदमी का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम कर सकता है, जो जानता है इसके बारे में ये सब। सर खबियों को काम पे लगा देते हैं, पता करते हैं कि ऐसा कौन कौन है ब्लैक मार्केट में जो इस तरह का खुफिया काम करता है। साहब मेरे को मालूम पड़ा कि बेकी की लाश मिली इसी गैरेज में, नाम काफी खराब था साहब उसका इस सब मामले में, और इस कंटेनर को इसी ने बनाया होगा शायद। पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वो आतंकवादी आए थे यहाँ पे लेड कंटेनर बनवाने, पर जैसे उनका काम हो गया मार के निकल गया। दिन दहाड़े एक आदमी का खून हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने देखा ना हो, कुछ सुना ना हो? खून होते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक गवाह है जिसने सबसे पहले लाश को देखा। तो बुलाइए उसको। जतिन, ये सीआईडी ऑफिसर है। जब तुमने ये लाश देखी तो क्या दुकान के आसपास किसी और आदमी को भी देखा था क्या? हाँ साहब, दुकान से बाहर आते हुए एक आदमी को देखा था, उस वक्त मैं सड़क के उस पार था। उस आदमी के जाने के 5 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि विक्की की लाश यहाँ पड़ी हुई थी। उस आदमी के हाथ में कोई सूटकेस वगैरह था क्या? हाँ साहब था ना, आपको कैसे मालूम? जरूर उसी ने खून किया है। उसका हुलिया याद है तुम्हें? हाँ साहब। स्केच बनवा सकते हो? जी सर। गुड। पवन, पवन इसे क्या हुआ? पवन उठो। नर्स, नर्स मैं डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, पता नहीं इसे क्या हो गया। डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया। ओह गॉड, इसे भी स्ट्रोक हुआ है। एक काम करो, डॉक्टर तारिका को बुलाओ अभी का अभी। एक काम करो, इसको रूम में शिफ्ट करो, चलो। डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका, सुन रही हैं आप मुझे? डॉक्टर, ओह माय गॉड, इसे भी स्ट्रोक आया। दिस इज अनबिलीवेबल, ये हो क्या रहा है? एक के बाद इन सबको स्ट्रोक आ रहा है। समझ में नहीं आता, तीन हट्टे कट्टे लोगों को एक साथ स्ट्रोक कैसे आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर कोई आर्टिफिशियली स्ट्रोक कैसे करा सकता है? डॉक्टर सुमित, तो ये रेडिएशन की वजह से तो नहीं? रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से स्ट्रोक नहीं हो सकता, पर वो जो वार्ड बॉय है वो तो पेशेंट के पास आया भी नहीं था। ये वार्ड बॉय आपको बेहोश मिला था ना? जी। कहाँ? सप्लाई रूम में। सप्लाई रूम पक्का चुप रेडी। सर सप्लाई रूम में कुछ नहीं मिला, जो कुछ भी है वो यहीं पे है।
जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो। रेडी, मैट्रेस के नीचे रहो। डिवाइस मिले, अजीब सा है। डॉक्टर साहब जी, क्या किसी मेडिकल एपरेटस का हिस्सा? ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये हॉस्पिटल का इक्विपमेंट है ही नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? क्या मैं इसे देख सकता? बिल्कुल। ऐसा लग रहा है ये डिवाइस मैंने पहले कभी देखी है। राइट, स्पेशल फोर्सेस में यूज किया जाता है इस डिवाइस का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसे न्यूरल डिस्ट्रप्टर कहते हैं। न्यूरल डिस्ट्रप्टर मतलब? देखिए, हमारा शरीर तभी काम करता है जब दिमाग कुछ सिग्नल देता है उस शरीर को काम करने के लिए, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना या फिर बातें करना। और ये सिग्नल आता है न्यूरॉन्स के जरिए, और ये डिवाइस दिमाग और शरीर के सिग्नल को कैंसिल कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। पर अगर ऐसा होता है तो फिर शरीर दिमाग का इशारा समझ ही नहीं पाता है, जैसे लकवा मार जाता है शरीर को, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रोक हो गया, लेकिन दरअसल वो स्ट्रोक होता नहीं, सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट होता है। मयंक, अगर ये डिवाइस हम यहाँ से दूर ले जाएं, तो क्या इसका असर कम हो सकता है? जी बिल्कुल, है ना। रेडी, काम करो, इस डिवाइस को दूर लेकर जाओ और डिस्ट्रॉय करो, नष्ट करो इसे। Yes, sir. इसका मतलब है ये तीनों ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर और ज्यादा देर रुकते हैं तो इसका असर हम पर भी हो जाता। अच्छा, तो इसीलिए इस चीज का असर तारिका और सारंगी पर हुआ। इसका मतलब है इसका असर वार्ड बॉय पे इसीलिए हुआ था क्योंकि वो एक घंटा उस कमरे में था जो इस कमरे के बाजू में है। जाके डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ये डिवाइस हमने डिस्ट्रॉय कर दी है तब तीनों जल्दी होश में आ जाएंगे। मगर ये डिवाइस यहाँ रखा किसने होगा? उसी आतंकवादी गैंग में से किसी। वो गैंग जानती है कि डॉक्टर सारंगखे के पास कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है, तो बस उसी लिए ये डिवाइस यहाँ लाकर लगा दिया ताकि सारंगखे की हालत हो जाए। तो सर, कोई अंदर वाला ही, क्योंकि बाहर वाला तो अंदर आ ही नहीं सकता। जरूर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन लोगों से मिला है। नहीं ऐसी भी सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है डॉक्टर होमेक, ऐसा ही हुआ है। अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो, जब तक वो मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, इस हॉस्पिटल से कोई भी, मतलब आप भी, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगा। पूरे हॉस्पिटल के सारे फ्लोर्स के सीसीटीवी कैमरास के फुटेज अभी के अभी हमें देखने हैं। सर, सभी स्टाफ वालों की लिस्ट देख ली, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला। मिलेगा फ्रेडी, मिलेगा। अब सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं ना, मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पुरी, पॉज करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने देखा है इसे, जाना पहचाना सा चेहरा है। कौन कौन? यस, ये देखो, यही आदमी है वो, ये दया अभिजीत ने जो स्केच बनवाया ना, यही है वो। देखो, विकी का खून करने के बाद जो बॉम्ब वाला ब्रीफकेस लेकर गया था। सर, ये नर्स कौन है और ये क्या बात कर रहे हैं आपस में? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस हॉस्पिटल के स्टाफ में से जो भी कोई मुजरिमों के साथ मिला है ना, ये नर्स है वो। सर, ये नर्स तो पायल है। ये पायल का है, बुलाइए उसे। सिस्टर, पायल का है, उसे अभी का भी बुला। पायल तो काफी देर से दिखी ही नहीं हॉस्पिटल में। सर, पायल तो हॉस्पिटल में नहीं है। पायल हॉस्पिटल में नहीं है मतलब पायल गायब है। आपको कहा था ना डॉक्टर सुमेश, कि इस हॉस्पिटल में से कोई भी हमारे परमिशन के बगैर बाहर नहीं जाएगा, तो फिर ये पायल गई कैसे?
तो हमें पता नहीं, हमने उसी वक्त सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, कोई बाहर नहीं गया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल से बाहर कोई एम्बुलेंस गई थी क्या? एम्बुलेंस? हाँ, एक इमरजेंसी केस था, आधा घंटा पहले एक एम्बुलेंस बाहर गई थी। ये पायल उसी एम्बुलेंस में है। वो जो नर्स है पायल, वो भी थी तुम्हारे साथ एम्बुलेंस में? हाँ साहब, वो बता रही थी कि जिस मरीज को हम लेने जा रहे हैं वो उसका दोस्त है, तो चल पड़ी मेरे साथ। अभी कहाँ है वो? ये कुछ काम याद आ गया उसको बीच में, तो उतर गई। सिर्फ हॉस्पिटल से निकलने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था उसने। कहाँ उतारा, कहाँ था उसे? ये खातीपुरा जंक्शन पे उतरी साहब। खातीपुरा? ओके, थैंक यू। अरे सुनना भाई साहब, इस लड़की को देखा है क्या? एक घंटे पहले यहाँ पे नर्स का ड्रेस पहना हुआ था इसने। हाँ साहब, मैंने इसको देखा है, मेरे रिक्शे में आई थी। अभी आधे घंटे पहले मैं इसको पांच बत्ती सिग्नल के पास छोड़ा था। थैंक यू। पांच बत्ती सिग्नल वहाँ कहाँ गई होगी? ये देखो, जरूर आसपास कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही जाएगी। ये बॉम्ब फटने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचना चाहिए। मॉल, ये मॉल में ही गई होगी, पांच बत्ती के सिग्नल पे ही तो है। और आज संडे, बहुत ज्यादा भीड़ होगी वहां। पायल यहाँ कहीं बाहर तो दिखाई नहीं दे रही है, कहीं मॉल के अंदर तो नहीं चली गई? मेन गेट से तो वो मॉल के अंदर जा नहीं सकती, सिक्योरिटी चेक में पकड़ी जाएगी वो। बॉम्ब का रेडियस 25 किलोमीटर का है, जरूरी नहीं मॉल के अंदर बॉम्ब रखे। तो हो सकता है उसने ये बॉम्ब मॉल के आसपास कहीं छुपा के रखा। चेक करते हैं। इसके साथ तो वही आदमी है, स्केच वाला। ए, आ निकल। ये यहां तक पहुंच गए, जल्दी चलो। खेल खत्म तुम लोगों का। बैग दे। ले लो। पर कोई फायदा नहीं है, मैंने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। एक घंटे में ये शहर भी खत्म हो जाएगा और हम भी मर जाएंगे। बॉम्ब तो एक्टिवेट कर दिया है लोगों ने, तो एक घंटा बचा हमारे पास। शहर से बाहर चलते हैं, पकड़ो उसे। आबादी से तो काफी दूर आ गए, इस बॉम्ब का क्या करें? किसी तरह डिफ्यूज हो जाए तो इम्पॉसिबल है अभिजीत। मतलब हो सकता है, मगर वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त नहीं है। मगर अभिजीत, मैं सोच रहा था कि इस काम के लिए हमारे दोनों का जाना जरूरी थोड़ी है, कोई एक आदमी जाएगा तो बहुत है। हाँ, बात तो तुम यार सही कह रहे हो, बॉम्ब ज्यादा भारी नहीं है, हल्का है, मैं लेके जाता हूँ, रोक दो गाड़ी। अरे अभिजीत, मैं ये कह रहा था कि तुम चले जाओ, मैं ले जाता हूँ इसे। अच्छा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? ये नहीं होने वाला था। देखो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे पीछे तो पूरी फौज खड़ी हुई है। अरे मेरे आगे पीछे कौन है? आगे किसने देखा और पीछे का मुझे याद नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तारिका को क्या जवाब दूंगा मैं? ए, ए, ये दया, ये गलत बात है यार, काम के समय मजाक अच्छा नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फोन कर। अच्छा ठीक है, चलो मैं मानता हूँ यार, सॉरी है। तो नहीं, लेकिन मैं बॉम्ब छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के ही चलूंगा इसे। हम दोनों चलेंगे साथ में, बस तुम कभी मेरी बात नहीं मानो। क्या हुआ? लगता है टायर में कुछ प्रॉब्लम है। ये पीछे वाले टायर में से चेक करो। इसी समय होना था ये भी। संभल गए।
ये चीटिंग है। सर डॉक्टर तारिका और ये वार्ड बॉय तो होश में आ गए, सालू के सर, सालू के सर होश में क्यों नहीं आ रहे सर? क्योंकि डॉक्टर सोलंकी उस डिवाइस के संपर्क में कुछ ज्यादा देर थे, इसलिए उन्हें होश में आने में भी कुछ ज्यादा समय लगेगा। नहीं नहीं, जल्दी से जल्दी होश में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सोलंकी के पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसीलिए तो ये सब हुआ है, आतंकवादियों ने ये किया है। बस सर किसी भी तरह अभिजीत सर और दया सर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे, नहीं तो अभिजीत दया का दया का सर मैं और दया वो बॉम्ब लेके शहर से बाहर जा रहे हैं। लगता है टायर में कुछ प्रॉब्लम है, ये पीछे वाले टायर में से चेक कर। दया ने मुझे संभल के गाड़ी से बाहर निकाल दिया और खुद निकल पड़ा है सुसाइड मिशन पे। और खुद ने उसे जाने दिया? उसने धोखे से उतार दिया मुझे। अभिजीत सर ऐसा मत कहिए, इसका मतलब दया सर वापस नहीं आएंगे? ए फ्रेडी, कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा उसे, वो एक सीआईडी ऑफिसर है समझे, इसे बचाने के लिए हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे, हम ढूंढेंगे रास्ता तो एक ही है सर, वक्त रहते किसी तरीके से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाए तो। लेकिन बॉम्ब को डिफ्यूज वही आतंकवादी करेंगे जिन्होंने उस पर पासवर्ड डाला है और सारे के सारे मारे जा चुके हैं। सर दया सर फोन ही नहीं उठा रहे। ओके तू ठीक तो है? न्यूक्लियर बम। बम क्या जानता है, बता क्या बताने वाला था तू मुझे, जल्दी बता। पासवर्ड। पासवर्ड जानता है तू? हाँ हाँ। क्या है पासवर्ड, क्या है पासवर्ड, जल्दी बता। रेनबो, रेनबो, रेनबो। अभिजीत सर पासवर्ड रेनबो है। बेल बज रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। यहाँ से दया मैसेज भेज के देखो। अभिजीत का मैसेज, कोड मिल गया? हाँ अभिजीत, दया पासवर्ड मिल गया है, पासवर्ड है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ अभिजीत बोलो क्या कोड है? रेनबो। रेनबो कीपैड में अल्फाबेट्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। अल्फाबेट नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें देखो ना कहीं होगा अल्फाबेट के लिए जगह। देखो ए बी सी डी 26 अल्फाबेट्स है। तुझे से एक A1 होगा। रेनबो का आर, आर का देखो पंकज जल्दी बताओ वैल्यू क्या निकलती है। देखो रेनबो, मैं एक नंबर बोलने वाला हूँ, वो नंबर टाइप करना। ओके अरे टाइम नहीं है सर, ये बनता है सर, ये न्यूमेरिकल नंबर दे रहा हूँ उसको टाइप करना। कौन सा नंबर? 18। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो। 18 19 19 14 14 15 2 5 2 3। नहीं अभिजीत बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हुआ। देख देख हो सकता है ठीक से टाइप ना हुआ, फिर से टाइप करो। हाँ अभिजीत ठीक से डाला, जल्दी बताओ यार, 6 मिनट 23 सेकंड बचे हैं बस। 18 19 19 14 29। अरे अभिजीत कुछ नहीं हो रहा यार, वो कीपैड का बटन दबाता हूँ तो म्यूजिक म्यूजिकल ट्यून बज रहा है बस, और कुछ नहीं। ये म्यूजिकल आवाज कैसी? कहीं पासवर्ड म्यूजिकल तो नहीं? रेनबो, रेनबो एक मोबाइल ट्यून है ना, जरा देखो। हाँ टोन। जल्दी करो यार टाइम नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड। ये क्या है? सुनाओ सुनाओ। दया ये ट्यून सुनो और उसमें ये ट्यून को डालने की कोशिश करो। अभिजीत
ये म्यूजिक तो यहाँ ये कीपैड में बज रहा है, ये सुनो, ये 1 2 3 4 5 6 नहीं ये पांच नंबर तक एक ही म्यूजिक बज रहा है, उसके बाद ये म्यूजिक चेंज होता है, ये सुनो 6 7 8 9 नहीं नहीं ध्यान से, पांच तक ट्यून है उसके बाद ड्रम की आवाज है, पांच तक जो है ना 1 2 3 4 5 वहां तक जो ट्यून है उसको ट्राई करो। यार मैं कोई म्यूजिशियन हूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या है क्या ये ट्यून? यार दया ऑप्शंस ट्राई करो, 1 2 3 4 5 है, 5 4 3 2 1 करो, 1 3 5 5 4 3 2 1 कुछ भी रैंडम करो, रैंडम। अरे कर तो रहा हूँ यार, ट्राई करो कुछ करो। सर कोशिश कर रहा हूँ सर, ये कुछ जम नहीं रहा है। नहीं हो रहा अभिजीत सर, ये नहीं हो रहा सर। सर 40 सेकंड बचे हैं सर, कोशिश करो यार, हम लोग हैं साथ पे तुम्हारे। शायद वक्त आ गया यार, कुछ नहीं होगा तुम्हें दया, ऐसा मत बोलो प्लीज, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ट्राई करो दया, ट्राई करो। अरे कर तो रहा हूं यार मैं, और क्या करूं। टाइम खत्म हो गया सर, दया कर लिया ना दोस्तों ने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.